सिर्फ अपने फोन से आप एक तगड़ी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई आप कौन सा माइक यूज करते हो, लेकिन मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सा माइक यूज करता हूँ और आप कौन सा माइक यूज करते हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी आवाज किस तरह से रिकॉर्ड करते हो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ कि अगर आप अपनी वीडियो में एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कभी भी अपने माइक को डायरेक्टली अपने कैमरे से अटैच करके रिकॉर्ड करना स्टार्ट मत करना, वरना आवाज तो रिकॉर्ड हो जाए लेकिन जो तगड़ी आवाज, जो कड़क आवाज आपको चाहिए वैसी आवाज नहीं आएगी। एक कड़क और इंपैक्टफुल आवाज के लिए आपको वीडियो अलग से रिकॉर्ड करनी है और ऑडियो अलग से। आज की डेट में आप जितने भी पॉपुलर क्रिएटर्स को जानते हो वो सारे के सारे अपनी आवाज अलग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता आपके पास 500 रुपए का माइक है, 5000 का माइक है या माइक है ही नहीं, आप फिर भी ऐसी ही तगड़ी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि कौन सी ऐप से आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है, फिर उसे एडिट कैसे करना है और उसके बाद उसे अपनी मेन वीडियो से मर्ज कैसे करना है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिना स्किप किए देखना वरना कोई ना कोई स्टेप मिस हो जाएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो प्ले स्टोर ओपन करना है और यहां पे आपको सर्च करना है डॉल्बी ऑन, बहुत ही तगड़ा सॉफ्टवेयर है डॉल्बी ऑन रिकॉर्ड ऑडियो एंड म्यूजिक, इसे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा और अगर आपके पास एक एक्सटर्नल माइक है तो आप इसको कनेक्ट कर लो अपने फोन से, उसके बाद सारी आवाज आपका माइक रिकॉर्ड करेगा। और अगर आपके पास माइक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये ऐप डायरेक्टली भी बहुत ही तगड़ी आवाज रिकॉर्ड करता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस डायरेक्टली सिर्फ इसी के माइक से रिकॉर्ड करके बनाई है। तो आपको क्या करना है, बीच में एक माइक का बटन है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये इसने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, हमारी वॉइस, हम जो भी बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है। अगर आपके पास माइक है तो माइक को थोड़े से डिस्टेंस पे रखिएगा। अगर आप डायरेक्टली फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो फोन को डायरेक्टली अपने मुंह के पास मत रखना, वरना बहुत ज्यादा फटेगी आवाज। अगर बहुत ज्यादा पास आ जाएगा माइक तो आपको ऐसे खड़े करके रखना है माइक को, ताकि माइक बिल्कुल स्ट्रेट फेस के सामने ना रहे और उसमें हवा जो आपके मुंह से निकलती है, जो भी अदर साउंड्स निकलती है, वो सब रिकॉर्ड ना हो। इस तरह से रिकॉर्ड करो, बहुत ही तगड़ी आवाज रिकॉर्ड होगी। और जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए, जब आपका वॉइस कंप्लीट हो जाए तो अगेन इस पर क्लिक करना है और ये अब आपकी वॉइस इस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो गई है। अब इसको रिकॉर्ड तो हो गई लेकिन इसको एडिट अभी बहुत करना है। तो वापस से लेफ्ट बॉटम में एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा म्यूजिक का, इस पर क्लिक करते हैं। ये सारी वॉइसेस जो दिख रही हैं ये सारी मैंने पहले रिकॉर्ड की हुई हैं। सबसे ऊपर वाली जो रिकॉर्ड है वॉइस है ये हमने अभी रिकॉर्ड की है, इसको ओपन करते हैं और नीचे दिख रहा होगा ऑप्शन टूल्स का, ठीक है, टूल्स को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 3-4 मेन चीजें हैं जिससे आपको अपनी आवाज एडिट करनी है। सबसे पहले स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है, स्टाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे नेचुरल, थंब, एम, लिरिक, डीप, 5-6 ऑप्शन हैं। आप जब इस तरह की वॉइस आप रिकॉर्ड करो और एडिट करो तो हेडफोन्स लगा लेना, तो आपको वॉइस की और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह की वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। मैं जो यूज करता हूँ, मैं डीप यूज करता हूँ, ठीक है, डीप से थोड़ी आवाज में वजन आ जाता है, गहराई आ जाती है। आप नेचुरल, थंब, एम्प्ड, लिरिक, जो भी आपको सही लगती है आपकी आवाज से के हिसाब से वो आप चूज कर लेना। मैं डीप चूज कर लेता हूँ और देन क्लिक करता हूँ ओके। सेकेंड ऑप्शन है नॉइज कैंसिलेशन का, नॉइज रिडक्शन का। अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ आवाज रिकॉर्ड हो गई है जो आप नहीं चाहते कि सुनाई दे इसमें, या कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड हो गई है, तो यहाँ पे अगर आप नॉइज रिडक्शन में आगे इसको बढ़ाते जाओगे तो बैकग्राउंड नॉइज रिड्यूस होती जाएगी। लेकिन अगर कोई आवाज नहीं है, अगर सब अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, तो उसको 5 पे ही रहने देना। तीसरा है टोन, ठीक है, इसमें ट्रेबल, मिड्स और बेस है। बेस से आपका आवाज का भारीपन बढ़ जाता है, ट्रेबल से आवाज में खनक आ जाती है, ठीक है। ये सब चीजें आपको हेडफोन लगा के समझ में आएंगी कि क्या फर्क आता है। मैं किस तरह की सेटिंग रखता हूं, तो मैं ट्रेबल को रखता हूं 10 पे, ठीक है, बेस को मैं 1-2 बढ़ाता हूं और मिड्स को मैं एज इट इज रहने देता हूं। मिड्स मतलब वोकल्स हैं जो आप बोल रहे हो, जो आपकी वोकल है उसको एज इट इज रहने दो, सिर्फ आपको ट्रेबल और बेस थोड़ा सा बढ़ाना है। लास्ट एक ऑप्शन है नीचे दिख रहा होगा बूस्ट का, बूस्ट पे क्लिक करो। अब ये आपका जो मेन बेस है आपकी आवाज का वो बढ़ाएगा, जितना ज्यादा इसको बढ़ाते जाओगे उतने ज्यादा भारी आपकी आवाज होती जाएगी। मैं इसको ज्यादा नहीं, 5 पॉइंट बढ़ाता हूं बस अपनी वॉइस के लिए, ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई, बस यही 2-3 सेटिंग्स थी, इसको डन कर दिया। अब ऊपर है डन का बटन, इस पे क्लिक करते हैं।
नीचे थ्री जो लाइंस है सेव वाली, इस पे क्लिक करके अब सेव कर लो और अपनी ऑडियो का जो भी आप नाम रखना चाहते हो, ताकि बाद में जब एडिटिंग के टाइम आसानी हो तो इसको आप आराम से ढूंढ सको। तो इसको आप कुछ भी नाम दे दो, डेमो हम दे देते हैं और कर देते हैं सेव, और एक्सपोर्ट हो रही है और थोड़ी देर में आपके फ़ोन में सेव हो चुकी है। ठीक है, एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो आपकी वॉइस थी उसमें बस दो तीन सेटिंग्स करके एडिट करके वो सेव हो चुकी है। अब क्या करना है, अब आपको आ जाना है अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे वो दोनों फाइल्स, यानी आपकी जो वीडियो आपने रिकॉर्ड की है और आपकी जो ऑडियो आपने रिकॉर्ड की है जो अभी अभी एक्सपोर्ट की है, वो दोनों यहाँ इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब ये दोनों फाइल्स हमने यहाँ इम्पोर्ट कर लिए हैं, अब दोनों को एक बार प्ले करके देखते हैं, आवाज आगे पीछे तो नहीं है। यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो पे ज्यादा पैसा है या आवाज आगे पीछे है? जब भी आप रिकॉर्ड करोगे अलग से तो इसको मैच करना पड़ेगा आवाज को, जो आपकी वीडियो की आवाज है जो और जो आपकी ऑडियो आपने अलग से रिकॉर्ड की है, ठीक है, ताकि लिप सिंक बिल्कुल एग्जैक्ट बैठे। तो जैसे आप देख रहे होगे कि YouTube पे शॉर्ट वीडियोस पे मेरी जो माइक वाली आवाज है जो मैंने अलग से रिकॉर्ड की थी वो पहले आ रही है, और जो मेरी कैमरे की आवाज है वो बाद में आ रही है। तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे पीछे करके आपको देखना है कि आवाज कहाँ पे जाके बिल्कुल एग्जैक्ट मर्ज हो जाती है। YouTube पे शॉर्ट वीडियो थोड़ी सी और रह रही है। YouTube पे शॉर्ट वीडियोस पे ज्यादा पैसा है? अब ये आवाज बिल्कुल मर्ज हो चुकी है, बिल्कुल एक के ऊपर एक बिल्कुल लेयर बैठ चुका है इसका सही से बिल्कुल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो वीडियो वाली साउंड है उसको जाके कर देना है जीरो, और अब यहां पे आपके पास आपको जो मिलेगी वो है सिर्फ वीडियो जो है आपको मेन वाली, उस पर आपको आपके ऊपर जो लेयर हो गई है आपकी जो अलग से रिकॉर्ड की थी आपने जो एडिटेड ऑडियो उसकी। अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। YouTube पे शॉर्ट वीडियोस पे ज्यादा पैसा है या लॉन्ग? तो आवाज बिल्कुल सही से बैठ गई है। अब आप अपनी पूरी वीडियो को एडिट करो, और जैसे मैंने बताया जो मेन वीडियो थी आपकी जो ऊपर जो कैमरा है जो आप जहां से आपने वीडियो रिकॉर्ड की है उसकी आवाज बिल्कुल बंद कर देनी है, और आपकी जो ऑडियो अलग से रिकॉर्ड की है उसकी आवाज एज इट इज रहने देनी है। और अब जो भी रिकॉर्ड करोगे जैसी भी एडिटिंग करनी है आप कर सकते हो। अब आपकी जो वीडियो जो निकल के आएगी जब अपलोड करोगे और उसको आप खुद सुनोगे तो आपको फर्क ये दिखाई देगा, फर्क सुनाई भी देगा कि आप जब डायरेक्टली अपने कैमरे से जो कैमरे में माइक लगा के जब अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते थे और जब ये सेपरेटली आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो कितना बड़ा फर्क आ रहा है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।